चेहरों पर खुशी देख सकते हो। अरे हिम्मत जुटा ले, गैंगस्टर कार में चलते हैं। मजा आ गया भाई, मजा। कैफे की साइड चलाएंगे। मैं किसी से डरता नहीं, मेरे का ना पता। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब भाई बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं भाई। आज है हमारा डे 3 मनाली में। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे कसौल की साइड, और कसौल में आपको आज हम ट्राई करवाने वाले हैं 2-3 कैफेज, जो मतलब आपको मस्ट होनी चाहिए आपकी लिस्ट में, जहाँ पे आपने जाना ही जाना है, क्योंकि उनका फूड भी बहुत अच्छा है, रीजनेबल है, और जो लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस रखती है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के पास, वो यहीं पे आए हुए हैं, और उनके होटल चलते हैं। पहले उनसे मिलते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो इतना जुड़े रहो आप लोग, हम भी फटाफट अपना सारा सामान गाड़ी में रख देते हैं और निकलते हैं यहाँ से। फैन आगे, फैन फैन आगे मिलन। एक बात तो है, मेरा यहाँ रुकना ना, इसमें जाने का बहुत जी कर रहा। मेरा जी कर रहा, मैं ला ही लू 15-20 मिनट। सैनी ला ले, एक्सरसाइज ला ले क्या? तो ठीक है भाई, okay, चलते हैं फिर। अब है। फिर मिलेंगे जल्दी, ठीक है भाई, ओके फिर। चलो तो जरूर ले। पक्का पक्का, चलो ठीक है फिर भाइयों। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा कसौल की साइड, और कसौल जाके देखते हैं। 2-3 जगह हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली है, वहाँ जाके देखेंगे जो सबसे बढ़िया लगी वहाँ पे स्टे करेंगे। बुलहरा का डर रहे भाई, मंडी लग रही है। अगर किसी को कपड़े कुपड़े मंगाने हैं तो फटाफट मैसेज कर दो और पेटीएम नंबर ले लेना मेरे से, ठीक है? जो 500 की चीज हुई वो 1000 में ला के दे दूंगा आपको, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आने जाने का खर्चा भी तो देना पड़ेगा भाई। ड्राइवर का देखो, तेल पानी सब कुछ लगेगा। तो भाई जा रहे हैं कसौल की साइड अभी, चलो पहुंचते हैं भाई कुल्लू। अरे चला लेना यार, बैल गड्डी की तरह चला रहे इसते, या तो लेकर ना आए करो घर आते। कर ले यार, कुछ नहीं होता भाई, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कुछ नहीं। भाई वो बंदा मान नहीं रहा, ये कह रहा मेरे ते लगा डर, कह रहा मैं नहीं करता। चलो पंडित जी चलते हैं, आ जाओ। इसने अपने जूते बहुत प्यारे हैं, छाल मारा जूते के। भाई पंडित जी करनी पड़ेगी, देखो ना भाई ना। तो फिर मैं वो परशुराम जी वाली बात कह दूं दोबारा, फिर तेरी अंडरवर्ल्ड में बेइज्जती हो जाएगी। खड़े हैं चलो जी, करते हैं श्री गणेश इसका भी। और मेरा नाम पूरा लिख रहा हो गया। इसके बगैर क्या फायदा? मैं तो कहूंगा अभी लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए तेरे को, करना चाहिए। अरे हिम्मत जुटा ले यार, मैं खड़ा तेरी गिल, मैं डालूंगा तेरे वाला जहाज बोल। मेरे साथ उठ लिए, शक्तिमान शक्तिमान करेंगे। मान जाए यार, क्या करना भैया? हेलो, 3 जने हो, पल्लू वर्ग का नहीं आया। चल भाई, चल ठीक है, बाकी तने अच्छा नहीं करे हमारी गिल, तू आता तो और मजा आता। जय हो माता रानी। सैनी, ये वाली गड्डी हिंदी फिल्मों में नहीं देख रही थी पहला, गुंडे किडनैप करने वाली गाड़ी नहीं, सही है, इसका अपना मजा है। पहुंच गए? तो भाई जैसे कि आप सब लोग हमारे मुंह पे चेहरों पर खुशी देख सकते हो, ये खुशी किसी और चीज की नहीं है भाई। आज हम जा रहे हैं अपनी लाइफ का मतलब अभी तक का तो सबसे स्केरियस्ट और मतलब सबसे एडवेंचरस स्पोर्ट करने,
आज भाई हम लोग जा रहे हैं मनाली से पैराग्लाइडिंग करने के लिए, और भाई जिसको लेके हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, मतलब बहुत एनर्जी आई हुई है इस टाइम। यूं मन कर रहा है भी जाते ही दौड़ के कूद जाऊं, कल्ला ही लेकर उठ जाऊं हमारे में। तो भाई चलते हैं फटाफट से, वहां जाके आपको दिखाएंगे क्या सीन है और आपको भी बताऊंगा मैं क्या फील होता है, कैसा होता है, सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं पॉइंट पे पहुंच के। बैठने की तो जगह है नहीं, खड़के ही चलते हैं। क्या बोलता है? नहीं नहीं लगता स्कूल में दौड़ का करते ज्यादा लिफ्ट मांग का। चलो भाई चलते हैं। चल दिए भाई चल दिए, फुल मजा आएगा भाई। दे दिए भाई बहन को गोली चला ला तेरी बहन की साला, इतनी तेज तो नहीं उछले ना जो बच्चा होने वाला हो किसी का। बाय 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 बाय। ओ भाई यार ये तो ब्लॉग नहीं बना दे रहा, बहुत गंदी चला रहा कसम से ना। ऐसे दूसरे लोगों को देख के ना हम बाय बाय कर रहे हैं, और स्कूल वाले दिन याद आ रहे हैं। स्किन टेम्परेचर बहुत लग रहा है, कितना मजा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, बर्फ है चाहे कुछ है, ऐसे ही चले। मैंने कहा था, मैं क्या बिना जैकेट के चलेंगे भाई, तेरी पैर को ठंडी लगी। ड्राइविंग बहुत कैड़ी है, कैड़ी कैड़ी। फाइनल डेस्टिनेशन पे, जहाँ से ये लोग हमको पैराशूट का ये सूट पहना के, फिर वहाँ से हम लगाएंगे शूट, 200 मीटर का शूट लगाएंगे। और भाई व्यू देख लो आप लोग, मतलब कितनी ही ज़्यादा हाइट है यहाँ पे, देख रहे हो। पर भाई जो मज़ा यहाँ पे आएगा ना, वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। तो भाई अगर आओ तो एक बार ज़रूर ट्राई करना ये पैराशूट। ऐसे चलना बिल्कुल इजी चलना है। ठीक है जी। शक्तिमान सनी कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई। तेरे को पूरी एक्साइटमेंट है भाई। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल। मेरे को तो सबसे ज्यादा है। अभी सारे खड़े हैं भाई यहाँ वेटिंग में, इन सब के बाद अपना नंबर आएगा, उसके बाद देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एक बात है रोहित, मैंने कल ना एक वीडियो देखी थी, एक बंदा ना ऐसे ही दौड़ रहा था, उसका दौड़ते दौड़ते ना पैर स्लिप कर गया, उसका मुंह लगा नीचे, पेड़ में जाके लगा। जिसकी हाइट कम होती है ना उसको ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए था। मर्जे गलजे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कितने लोगों को डेथ होती है? सही बात है भाई। पर कोई नहीं, मरना तो भाई। एक इस बंदे की बहू गई, ये बहू तो भी ज्यादा डर रहा। देखे चला गया, देख कितरो लो भाई हो चुके हैं तैयार उड़ने के लिए, तो लेट्स रॉक, मजा आएगा। हेलो इसको, हेलो सैनी मिलते हैं नीचे, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एंजॉय करके आइए भाई। गाइस अब शिवम हमारे जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, और इसके बाद हमारी टर्न है। हाँ जी हाँ, चल थोड़ो नजारा भाई नजारा। शिट, मैं आज तक एरोप्लेन में कभी नहीं बैठा था, पर पहली बार मैं इसी की सवारी कर रहा हूँ, और भाई बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। सब कुछ बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, मतलब यूं लग रहा है जैसे हम पंछी बन गए हो, तो पंछी कहते हैं भाई। Is this in the air?
believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Where are you landing point? Leg straight. हो जाओ ऊपर उतर जाऊंगा भाई ग्लाइडिंग कर ली, मजा आ गया भाई, मजा। शिवम ठाकुर साहब ने ऊपर मेरे को रोटेट करवाया भाई, हां रोटेट करवाया। हेलो भाई, हेलो हेलो गाइस, मेरे को बहुत भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या कह रहे हो? पैसा वसूल, पैसा पूरा वसूल, पैसा तो इसमें। बहुत स्वाद आ गया भाई, बहुत स्वाद। देखो बस आपने सीरियसली भाई, मेरे को दिमाग दिखा दो यार, शिवम कत्ती को हत्ती। हां मजा आ गया भाई, 2 मीटर के पैसे हर चीज में लगते हैं, पैसा गान लगता है। हां भाई मेरे बीच में बहुत मस्त, लाइक ऐसे ना 5-6 चक्कर कटवाए बिल्कुल गोल। अच्छा अभी शोक रे कैसा रहा? दोबारा करेंगे, मैं कह रहा था ना, मैं कहा चल ले एक बार भाई, स्वाद आ गया। सनी तेरा कैसा रहा? मेरा बहुत अमेजिंग रहा, बहुत ज्यादा भाई, बहुत अल्टीमेट। उधर निकाल के आओ। ठीक है जी, तने जिंदगी के इतने हसीन पल गवा दिए ना आज, पूछो ना बात। भाई मजा आ गया, मजा, मैं कह रहा नेक्स्ट लेवल। और 5 मिनट थे ना, दौड़ते टाइम भी डर लगाओ, सेकंड भी डर लगा, एक सेकंड एक छोटा डर लगा यहाँ से लेके वहां तक जाने में। चढ़ाई इतनी ना, और मोड इतने तीखे, मैं कह रहा कम से कम 60-65 की स्पीड, स्पीड नहीं नीचा करी, गड्डी नहीं जा गई, कूद दी, पीछे खड़े थे हम तो, पागल हो गए हम तो। मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। पानी पिला, पानी पानी पिला, पानी पानी पानी। तो भाई भुंतर से हम लोग मुड़ चुके हैं कसोल वाली रोड पे, और अभी पीछे हम रुके थे कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया हमने, और हल्का फुल्का खा के ना भाई थोड़ी सी शरीर में जान आ गई। अब चलते हैं भाई अपना सीधा कसोल की साइड। वैसे शाम हो गई यार, लेट हो गए थोड़ा सा पैराग्लाइडिंग के चक्कर में, बट वो वर्थ थी, उसके लिए तो भाई 1 घंटा और कुर्बान था, कोई दिक्कत नहीं। पूरी बॉडी अपनी न्यू लगा तो से तो भाई फाइनली कसोल हम लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करके उसके बाद जाएंगे किसी कैफे में, कैफे में जाके खाएंगे पिएंगे भाई कुछ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। कैफे की साइड चलाएंगे, यही गली है ना, ऑफ लिमिट्स हो रहा है, ऑफ बीट्स। चलो पहुंचते हैं भाई फटाफट, फिर दिखाता हूँ कैसा है ऑफबीट, मैं भी दिखाऊंगा। जो दोनों स्वाद हैं वो दोनों एक एक कर दो,
भाई ये पता नहीं क्या है, क्या ठह लेगा अपनी दुकान पर लेगा, गया तेरा तो नहीं लेगा कुछ। मैं पूछ रहा हूँ उनसे क्या था। दोनों बोले ना, एक तो ये बोला था टीरामिसू, एक बोला था चॉकलेट वॉलनट चीज केक है। अच्छा भाई इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, केकड़ा क्रोसेंट पता नहीं क्या केकड़ा भाई वो हमारी बात हम केकड़ा। अच्छा ये चॉकलेट ब्रैकेट बक्सु केक बक्सु, ये देखने में तो गुलाब जामुन लग रहे हैं पर ये है रम बॉल और चॉकलेट बॉल। बाकी भाई खा का देखा, उनका देख कितनी प्यारी लग रही है ना, तो भाई कसोल की मॉल रोड घूम के हम लोग आ चुके हैं। मतलब बेसिकली एक इसकी ना एक छोटी सी मार्केट है, मतलब बहुत ही छोटी सी, मतलब यार आपको सबको पता ही है यहाँ मोस्टली किसके लिए फेमस होता है कसोल, मेरे को नाम नहीं लेना पड़ेगा। पर अभी भी आते आते मेरे को दो तीन बंदे मिले, उन्होंने मेरे से पूछा है भाई डैश 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 ये नशा चाहिए आपको, मैं कहना ना भाई अपने बस का नहीं है, मैं कहा अपने लाइनों नहीं आए अपनी, और मैं चीज़ों को भी प्रमोट नहीं करता ना, मैं प्रमोट करूँ भाई देख मैं सूखे नशे के खिलाफ हूँ भाई, कतई दारू पीवा बंदा पीवा वो ठीक रहा फिर भी वो कल सवेरे तक ठीक हो जाएगा, पर इन इन नशों के चक्कर में ना भाई मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपना पूरा घर उजाड़ दिया, सब कुछ बेच दिया, घर वालों से कोई मतलब नहीं, कोई यार दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भाई ऐसी लाइन में लगने से अच्छा है जो आपने नशा करना ही है दारू दूरू पी लो आप थोड़ा मोटा, उसनों भी मैं प्रमोट नहीं करता, पर मैं खुद पीऊँ भाई मैं तो मुँह पर बोलूँ, मैं किसी से डरदा नहीं, मेरे घर पता पर मैं पता अपनी लिमिट का भी, हाँ मैं कहाँ तक लिमिट पे हूँ अपनी। और भाई सबसे बढ़िया तो कुछ भी ना करो, अपना जिम मारो, खाओ पियो, अपने घर वालों की इज्जत करो, उनका साथ दो, यार दोस्तों के लिए घूमो, प्यार बनाओ और ऐसे ही खुश रहो। तो भाई अब चलते हैं फटाफट से अपने कैंप की साइड, टाइम हो चुका है बहुत, अब चलते हैं जाके फटाफट खाना खुना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे, मिलते हैं आपको कैंप में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी कैंपिंग साइट पे जिसका नाम है जारंका कैंप कसोल, मतलब एक कसोल से ना बेसिकली 16 किलोमीटर पहले है कसोल जाता है ये सीधा रास्ता। तो अभी हम कसोल घूम के वापस आए हैं, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी, लोग लोग तो क्या ही लाना है, नहीं आपको ला लेंगे जिसका है, जूते और पैंट क्या लगेगी मिट्टी में कितनी गंदी होगी। तो अपनी कैंप साइट कैसी है एक बार मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने दिन की पा दूंगा इसमें, ये इस साइड कुछ टेंट है भाई और एज इट इज इस साइड भी है, यहाँ म्यूजिक सिस्टम लग रहा है, वहाँ पे चल रही है अपनी बॉनफायर, ये वैसे स्विमिंग पूल भी है बट ये गर्मियों में चलाते हैं भाई, यहाँ पे अब बैठे हैं थोड़ी बहुत देर बातें बुते करेंगे, अपना टाइम पास करेंगे और आपके बजट में भी आ जाएगा भाई, रेट रूट मैं आपको बाद में बता दूंगा, वैसे ये हमारा रूम है और अभी हम लोग बैठते हैं, पहले थोड़ी देर बातें बुते करेंगे उसके बाद दिखाऊंगा आपको क्या सीन बनता है। प्रॉब्लम होती है जोनी वॉकर जो भी है क्या ये, हाँ पैक तो ही बनाएगा देकर आ रहा, तो भाई ठीक है आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, बाकी टेंट के अकॉर्डिंग सारी जानकारी मैं आपको कल दूंगा, लोकेशन प्राइजेस खाने का प्राइस खाना कैसा और कैसा रहता है हमारा ट्रिप वो भी आपको बताऊंगा मैं कल सुबह, तो टिल देन टेक केयर बाय बाय, ध्यान रखना अपने सारे, जय श्री राम भाई।